duty is to become a saint also. हम सभी लोगों को संत बनना ही है. संत बनना ही अपने जिंदगी का मकसद है. संत यानी योगेश्वर, संत यानी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट. हम सभी लोगों को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है. मेडिटेशन इज द की, माय डियर फ्रेंड्स. व्हाट इज मेडिटेशन? द साइंस ऑफ मेडिटेशन सेज फाइव थिंग्स: बिकमिंग वन विद द ब्रेथ, देन मेकिंग योर माइंड एम्प्टी, देन एक्सेसिंग कॉस्मिक एनर्जीज, देन प्यूरिफाइंग यूअर एनर्जी बॉडी, देन एक्टिवेटिंग यूअर थर्ड ए. सो दीज आर द फाइव थिंग्स इन द साइंस ऑफ मेडिटेशन. आई एम टेलिंग टीचिंग यू नाउ द साइंस ऑफ मेडिटेशन. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू से व्हाटएवर आई से. श्वासानुसंधान, चित्तवृत्ति निरोध, विश्वशक्ति आवाहन, नाड़ी मंडल शुद्धि, दिव्य चक्षु का प्राप्ति. अपना अंतिम लक्ष्य है टू हैव ए थर्ड आई. जैसे संजय जी ने धृतराष्ट्र के वहां होते हुए पूरा भारत युद्ध के देखे, जैसे हम टीवी में देखते हैं. उन दिनों वो रनिंग कमेंट्री दे रहे थे, ऐसा हो रहा. फिर धृतराष्ट्र ने पूछते हैं, अब क्या हो रहा है बताइए हे संजय जी, अब यही हो रहा है कि अब उसका वधा हो रहा है. सी रनिंग कमेंट्री, दैट इज द थर्ड एज. इफ संजय हैज अ थर्ड एज, हाउ अबाउट पुणे पीपल? हाउ डू यू गेट टू द थर्ड एज? फॉर द थर्ड एज योर एथेरिक बॉडी, प्राणमय कोश का शुद्धिकरण होनी चाहिए. न जाने कितने जन्मों से आप जो प्राणमय कोश पाए हैं वो अशुद्ध है. उसको एम्प्टी करें कब को, फिर चाय डाल सकते हैं या दही डाल सकते हैं या दूध डाल सकते हैं या कुछ भी. अनलेस यू एम्प्टी योर कप, नथिंग न्यू कैन कम इन. सो दैट एम्प्टीइंग द माइंड, अनटिल यू एम्प्टी द माइंड, नथिंग न्यू कैन कम हियर. एंड व्हाट इज अ साइंटिस्ट? एक्सप्लोरिंग द समथिंग न्यू, नॉट बीइंग स्टक अप इन द वर्ल्ड. सो अनलेस यू एम्प्टी योर माइंड, हाउ कैन यू गेट समथिंग न्यू इन द माइंड? सो दैट एम्प्टीइंग द माइंड, द कप ऑफ द माइंड, मेडिटेशन, that is chitta vritti nirodha, and that is possible only through shwasanusandhan, becoming one with your breath.